नगर निगम प्रशासन द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन आमजन इस अभियान से लापरवाह बना हुआ है। इसी क्रम में गुरुवार को महापौर सीताराम जायसवाल ने महानगर वासियों के लिए एक सूचना जारी करते हुए कहा कि आज सभी दुकानदारों को नगर निगम की तरफ से आगाह करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि सड़क साफ होने के बाद कूड़ा सड़कों पर ना फेंकें। कुछ दुकानदारों की लापरवाही से सड़क साफ होने के बाद कूड़ा सड़कों पर फेंक देना चिंता का विषय है। बहुत जगह पर दुकानदार लापरवाही बरत रहे हैं। हमने एक अभियान चलाया। नगर निगम प्रशासन प्रत्येक दुकानदारों से अपील करता है, कूड़े को सड़कों पर ना रखें। 22 दिसंबर से दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानों से निकलने वाले कूड़े को कूड़ेदान में रखें और नगर निगम की गाड़ी जाएगी और दुकानों से कूड़ा उठाएगी। पॉलीथीन में ठेले पर सामान बेचने वाले दुकानदारों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि पॉलीथीन के सामान यूज करते, बेचते या भंडारण करते पाए गए तो गृह स्वामी और दुकानदार पर भारी जुर्माना लगाकर नियमानुसार दंडनात्मक कार्रवाई किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, उसमें ही कूड़ा अपने डस्टबिन द्वारा उसमें डाल दिया करें, अन्यथा नियमानुसार उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। कल परसों से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज सभी दुकानदारों को नगर निगम गोरखपुर की तरफ से आगाह किया जाता है कि सड़क साफ होने के बाद कूड़ा सड़कों पर न फेंके। कुछ दुकानदारों की लापरवाही से सड़क साफ होने के बाद कूड़ा सड़कों पर फेंक देना चिंता का विषय है। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर शहर सुंदर और स्वच्छ बने। इस काम को आगे बढ़ाना है। इसमें सभी नागरिकों की सहभागिता जरूरी है, क्योंकि बिना नागरिक अवेयरनेस के शहर को साफ सुथरा नहीं रखा जाता। मैं सभी दुकानदार भाइयों से अपील करता हूं, सफाई होने के बाद कूड़ा सड़कों पर न फेंकें। अभी बहुत जगहों पर कुछ दुकानदार लापरवाही बरत रहे हैं। हमने एक अभियान चलाया है कि 12 से 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कूड़ा जो दुकानदारों के यहाँ डस्टबिन में पड़ा रहेगा, उसके लिए हमने गाड़ी की व्यवस्था की है। हमारे नगर निगम के कर्मचारी 2 से 4 के बीच में गाड़ियों के साथ प्रमुख बाजारों में मूव कर रहे हैं। कृपया कूड़ा उनमें डाल दिया करें और कूड़ा डस्टबिन में ही रखें, सड़कों पर ना फेंकें। अगर हमारे दुकानदारों ने, गृह स्वामियों ने इसमें सुधार नहीं किया तो नगर निगम 22 तारीख से भारी जुर्माना लगाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो कैरी बैग है, और बहुत से जगहों पर देखा जा रहा है कि कुछ दुकानदार और शहरों में ठेला पर सामान बेचने वाले लोग उसे यूज कर रहे हैं, ये एक दंडनीय अपराध है। नगर निगम 22 तारीख से इसके लिए भी अभियान चलाने जा रहा है कि किसी के यहाँ भी अगर कैरी बैग या प्लास्टिक का सामान यूज करते, खरीदते, बेचते, भंडारण करते पाया जाएगा तो दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ उस पर FIR किया जाएगा। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और मैं आगाह करना चाहता हूँ ऐसे लोगों को कि वो अपने आदत में सुधार लें, अन्यथा बाध्य होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठेला वालों को भी कुछ कार्रवाई किया जाएगा? यही नियम ठेला वालों के साथ भी लागू होगा कि वो कैरी बैग का प्रयोग न करें। प्रयोग करेंगे तो उनका ठेला भी जब्त किया जाएगा और वहाँ से उनके दुकान भी हटा दिए जाएंगे।